फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा धातु क्षय और उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, धातु क्षय क्या होता है? धातु क्षय होता है, धातु तो होगी टिश्यूज, या और बड़े तौर पर देखना है तो बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब धातु में आते हैं। क्षय का मतलब होता है कमी, और कमी दो तीन प्रकार की हो सकती है। उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है किसी धातु की, या उसका लॉस हो सकता है, या उसकी डिजनरेशन हो सकती है, या उसका डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो कितना कुछ है जिससे एक टिश्यू के शरीर के अंदर कमी आ सकती है, और आचार्यों ने इसे एक नाम दे दिया, धातु क्षय। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि धातु क्षय कौन कौन से प्रकार का हो सकता है। तो एक तो सिंपल सी बात है कि सात धातु हैं, सातों का क्षय हो जाएगा। रस, रक्त, मांस, समेत अस्थि, मज्जा, शुक्र का क्षय हो गया धातु क्षय। क्या इसको यहीं तक सीमित रखना चाहिए? जी नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। उपधातु भी आते हैं। उपधातु जैसे त्वचा है, त्वचा में भी डिजनरेशन हो सकती है, त्वचा में भी डैमेज हो सकता है, सेल डेथ हो सकती है। या फिर कंड्रा, टेंडन्स, स्नायु, लिगामेंट्स, इनके अंदर भी क्षय हो सकता है, डिजनरेशन हो सकती है। या फिर स्तन्यम यानी लैक्टेशन, दूध कई बार महिलाओं में जो दुग्धपान कराते हैं बच्चों को, उनमें भी कई बार क्या होता है कि दूध की उत्पत्ति कम होती है, तो वो स्तन्य क्षय हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे उपधातु भी होते हैं, उनमें भी क्षय, जैसे वसा का क्षय हो सकता है, किसी व्यक्ति में बहुत कम फैट है तो वसा का क्षय हो जाएगा। आर्तोक्षय हो सकता है, आर्तोक्षय का मतलब है कि ओलिगोमिनोरिया यानी महिलाओं में आर्तोक्षय हो गया, इस प्रकार से ये क्षय होते हैं। तो उपधातु भी आ गए। तो क्या धातुओं और उपधातुओं का क्षय ही जो है वो धातु क्षय है? नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में दोषों और मलों को भी धातु कहा गया है, धारणात धातुवा, जब तक ये नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, तब तक दोष भी धातु हैं, इसलिए उनको त्रिधातु कहते हैं, और मल भी धातु में आते हैं। जब वो मलिनीकृत करते हैं, खराब करने लगते हैं, तब उनको मल की कैटेगरी में लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय, ये भी धातु क्षय में आ जाता है। और मल मूत्र स्वेद ये जितना है, अक्षी मल वगैरह का क्षय, ये भी धातु क्षय में आता है। तो उस तरह से अगर आप देखते हैं एक समष्टि में, टोटैलिटी में, तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि बॉडी में जो कुछ है, बॉडी में जो कुछ नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल से कम हो जाएगा तो उसको धातु क्षय कहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो एक होलिस्टिक एक अप्रोच है चीज़ों को समझने की, मुझे लगता है कि इससे हम किसी भी चीज़ को, डिजीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उसके लिए उपयुक्त उपचार भी कर सकते हैं। ये एक जनरल बात हो गई, छोटी छोटी एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, फिर ट्रीटमेंट भी देखेंगे। हम धातुओं से शुरू करते हैं, हम रस धातु से शुरू करते हैं। तो रस जो होता है, रसनात रस है, यानी जो फ्लूइड होता है उसको रस कहते हैं। तो बॉडी में जितने फ्लूइड है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो क्या है? वो रस धातु है। अब रस धातु के क्षय को क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो प्रथम दृष्टया हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, H2O की कमी। लेकिन फ्लूइड में जो बॉडी के रस हैं, क्या उसमें सिर्फ वाटर होता है? जी नहीं, उसमें बहुत कुछ और होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, पोषक पदार्थ, यानी उनमें बहुत कुछ होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए हम सीरम को ले लेते हैं या प्लाज्मा को ले लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है? उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड के अंदर आपको पता है
लिपिड्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये होते हैं। फिर इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती रहती है। फिर इसके बाद कितने सारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितना कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। इसके बाद आप देखें हार्मोन्स होते हैं, वो भी जाते हैं। हार्मोन्स के बाद भी बहुत और तो और जो जो टिश्यूज में, सेल्स में जो मल बनता है यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है जो लंग से बाहर जाते हैं, वो भी होती है। यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, बहुत कुछ होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिससे एसिडिटी होती है, कितना कुछ होता है एक सीरम में या प्लाज्मा में। तो जब प्लाज्मा की कमी होगी तो वो सिर्फ केवल ये देखना कि पानी की कमी है वो ठीक नहीं होता, बाकी चीज़ों की भी कमी हो सकती है, खास करके जो हम खाते पीते हैं न्यूट्रिशन से जो मिलती है। इसलिए रसक क्षय का जब उपचार करना पड़ेगा तो पहले ये देखना पड़ेगा कि रसक क्षय क्यों हुआ है, क्या किसी ने पानी कम पिया है, क्या उसको न्यूट्रिशन कम मिली है, या उसका लॉस हो रहा है। एक ऐसे इंटेंस हीट वाले वातावरण में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जैसे आग के पास हलवाई बहुत देर तक बैठे रहते हैं, धूप में लेबर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फैक्ट्रीज में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, या बहुत कोई व्यक्ति धूप में चल रहा है, काम कर रहा है, बाइक चला रहा है, कुछ कर रहा है, यानी बहुत देर तक धूप में है तो उसका लॉस हो जाएगा। ये सारे कारण, या क्या होता है, वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया इसके कारण, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया किसी कारण से, यूरिन बहुत हो जा चला गया जैसे डायबिटीज़ में होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में या मेलाइटिस में होता है, लूज मोशन तो मैंने बोल ही दिए, बर्न इंजरीज होती हैं, बहुत सारा स्किन से प्लाज्मा जो है वो वाटर लॉस हो जाता है। इतने सारे कारण हैं और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे रसक क्षय होता है। तो जब रसक क्षय की चिकित्सा करेंगे तो पहले जिस कारण से डिहाइड्रेशन हुआ है या इलेक्ट्रोलाइट्स के न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है उस कारण को दूर करना ज़रूरी है। मतलब अगर लूज मोशंस हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट दीजिए डायरिया का, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट भी करिए, अगर कोई पानी ही नहीं पी रहा तो उसको तो पानी तो पिलाना ही है, लेकिन अगर इंटेंस हीट में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से दूर हटाइए। सो ये पहले रिमूव द कॉज होता है या मैनेज द कॉज, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उसके रसक क्षय में जल आपूर्ति करेंगे और जो पोषक पदार्थ हैं उनका वो देंगे। तो जल, पानी सिंपल है, अच्छा पानी चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी साफ सुथरा हो ये दीजिए, और सिंपल सा जो बहुत दो चीज़ें मिनिमम है, जो दो चीज़ें मिनिमम है, न्यूट्रिशन के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पे दो चीज़ें चाहिए, सोडियम क्लोराइड। तो करते क्या है, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चार चम्मच ग्लूकोज या चीनी डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और वो पिला दीजिए, एक चुटकी नमक डाल के पिला दीजिए, रसक क्षय दूर होना शुरू हो जाएगा। इसी के आधार पे जितने इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स हैं वो बनाए गए, भारतीय ही थे, अभी पिछले कुछ दिनों पहले उनका निधन हो गया, दुखद है, लेकिन एक भारतीय ने इलेक्ट्रोलाइट पाउडर विश्व को दिया और असंख्य जानों को बचाया। फ्रेंड्स, आपको जान के अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में भी इस प्रकार से प्रयास हुआ है, और अमृतोज नाम की का एक पाउडर जो है वो डेवलप किया गया है। और इस अमृतोज में है क्या, शर्करा है, यानी वही चीनी है, ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज, कुछ भी कह लीजिए, एक तो वो है, दूसरा इसमें नमक है, सोडियम क्लोराइड, दो हो गया, और तीसरा एक और नमक है, और वो कौन सा नमक है, वो साइंधव है, रॉक साल्ट, ठीक है, जिसको पाकिस्तानी नमक कहते हैं, वो है। उसमें तो सोडियम क्लोराइड के साथ बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं, ट्रेस मिनरल्स। और एक चीज़ इसमें और है, और वो है स्वर्जिक क्षार। स्वर्जिक क्षार क्या होता है, स्वर्जिक क्षार होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों,
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बॉडी में एसिडिटी, पूरा पूरी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत अच्छा रोल है। इसमें स्वर्जी क्षार भी डाला गया है और ये चार चीज़ें मिला के अमृतोज बनाया गया है। और ये अमृतोज जो है इसको भी उसी तरह से एक गिलास पानी में चार चम्मच तीन चम्मच मिला के पिलाइए, धीरे धीरे पिलाते जाइए, इसे रसक क्षय दूर होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है धातु क्षय का। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं रक्त क्षय। रक्त क्षय की जब बात हम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में सिर्फ आता है हीमोग्लोबिन, कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो समझ लीजिए रक्त क्षय हो गया, ठीक है। एनीमिया, अब रक्त क्षय क्यों हुआ, क्योंकि आयरन की इनटेक कम थी, ये भी हो सकता है, या फिर ब्लड लॉस हो गया, ये भी हो सकता है रक्त क्षय। तो ये मोटे तौर पे ब्लीडिंग हो गई, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, या इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है, पाइल्स के कारण होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब होगा तो उसमें क्या हम आमतौर पर देते हैं कि इस पेशेंट को आयरन दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है हीमोग्लोबिन, लेकिन कितना अच्छा हो, उस आयरन को बनाने के लिए प्रोटीन भी चाहिए होती है ना, हीम और ग्लोबिन दो है, तो ग्लोबिन जो है, हीम तो चलो आयरन वाला कंपोनेंट है, तो ग्लोबिन भी तो देना पड़ेगा ना प्रोटीन, तो थोड़ी सी प्रोटीन बढ़ा दीजिए उस पेशेंट की जिसमें अनीमिया है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन, सोया प्रोटीन है, चने की प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन है, ये नॉन वेज लेते हैं तो वो प्रोटीन है, कुछ भी एग दे दीजिए तो ब्लड ज़्यादा बनेगा। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए कि रक्त क्षय में व्हाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं, लिकोसाइट्स, और लिकोसाइट्स भी आगे कई प्रकार के होते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल्स यानी फैगोसाइट्स ये जो होते हैं ये भी होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स, उसके बाद ये बेसोफिल्स वगैरह भी होते हैं, स्नोफिल्स भी होते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रक्त क्षय अगर हुआ है, अगर आपके पास कोई पुअर इम्यूनिटी या इम्यून डेफिशिएंसी का पेशेंट आता है तो उसको भी आप ओजक क्षय तो हो ही गया ना, ओजक क्षय हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी मीन्स ओजस, इम्यूनिटी मीन्स कफ, इम्यूनिटी मीन्स बल, तो बल क्षय, ओजक क्षय या कफ क्षय हो गया, लेकिन वो जो लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ पे है, बॉडी में फैले रहते हैं हर जगह, रक्त में भी होते हैं, तो बाकी जगहों पे अगर ओजक क्षय हुआ है तो रक्त में भी हुआ है, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको हम रक्त क्षय में लेते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी एक कणिकाएँ होती हैं, रक्त कणिकाएँ जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, खून को जमाना, क्लॉटिंग। अगर वो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, वो भी तो रक्त क्षय में ही आएगा ना। तो रक्त क्षय एक बड़ी टर्म है, केवल रक्त क्षय का निदान कर देना काफ़ी नहीं है, रक्त के कौन से कंपोनेंट में कमी आई है उस कंपोनेंट को पहचानिए और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करिए। तो इस हिसाब से जब अनीमिया होगा तो आयरन देंगे, मंडूर देंगे, लौह देंगे, ठीक है, और उसके साथ प्रोटीन दे देंगे। हम लोग स्वर्ण माक्षिक भी दे सकते हैं, यानी मंडूर है, लौह है, स्वर्ण माक्षिक है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो हम दे सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, इसका नाम है मिनोविट। इस मिनोविट में हमने स्वर्ण माक्षिक डाली हुई है, हालांकि ये मिनोविट जो है ये इस तरह की मेडिसिन है, एक टॉनिक है, लंबे समय तक लेते रहें, स्वर्ण माक्षिक कम है, ये थेरापेटिक नहीं है, ये एक प्रकार के न्यूट्रिएंट है, लंबे समय तक लेते रहें। हाँ, आप चाहें तो इसके लिए नवाइस चूर्ण, नवाइस लौह दे सकते हैं, और हम लोग इसके लिए एक और लौह टैबलेट बनाते हैं, वो है सप्तामृत लौह टैबलेट। तो सप्तामृत लौह टैबलेट जो होती है, आपको पता है उसमें सात चीज़ें होती हैं, मोटे तौर पे तो पांच ही होती हैं, यानी उसमें त्रिफला होता है, उसमें मध्यवेष्टि है और लौह है, और वो दृष्टिगत रोगों के लिए, आँख के रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। लेकिन क्या उसे केवल आँख के रोगों तक सीमित करना उचित है क्या?
क्या उसका जो लौह पार्ट है, क्या उसका जो त्रिफला पार्ट है वो रक्त निर्माण में हेल्प नहीं करता है। तो जब रक्त क्षय हो, पांडु रोग हो, तो सप्तामृत लौह का उपयोग कर सकते हैं, धात्री लौह का उपयोग कर सकते हैं, नवायस जैसे मैंने बोला वो उपयोग कर सकते हैं, पुनर्नवा भंडूर उपयोग कर सकते हैं। तो ये रक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि इस पेशेंट में WBCs की कमी हो रही है, यानी इस पेशेंट में ल्यूकोपीनिया है, तो उस ल्यूकोपीनिया का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसी औषधियाँ ओजोवर्धक देंगे। ओजोवर्धक औषधियाँ जब देंगे तो ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। बोन मैरो से ही आते हैं, लेकिन वहाँ से क्योंकि स्टेम सेल तो वहीं होते हैं, तो इस तरह की आपको औषधियाँ देनी पड़ेंगी। तो इसमें रसायन औषधियाँ आ जाएंगी, तो दो रसायन औषधियाँ बहुत इफेक्टिव रहती हैं। इसमें से एक रसायन औषधि रहेगी अश्वगंधा। तो फ्रेंड्स, ये अश्वगंधा चूर्ण है, आप अश्वगंधा दे सकते हैं। और अश्वगंधा की हमारी एक टैबलेट भी आती है जो मेरे पास यहाँ नहीं है, तो अश्वगंधा टैबलेट दे सकते हैं। और दूसरा आप दे सकते हैं शिलाजीत। शिलाजीत भी एक बहुत ही इफेक्टिव टॉनिक है, और ये अश्वगंधा और शिलाजीत ये दोनों लिकोपीनिया में, ओजक क्षय में बहुत इफेक्टिव रहते हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। प्लेटलेट्स की कमी है, अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो उसे दूर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं दो तीन चीज़ों के नाम लूँगा उससे प्लेटलेट्स की कमी को आप अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। एक हमारी टैबलेट आती है कैरिपा। कैरिपा कैसे बनती है? जो पपीता होता है ना, पपाया लीव्स, उससे बनता है कैरिका पपाया। तो कैरिपा टैबलेट आप दे सकते हैं। और दूसरी गुडुची गिलोय। गिलोय भी बहुत अच्छी होती है, ये प्लेटलेट्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होती है, तो आप उसमें गुडुची भी दे सकते हैं। और एक तीसरी और मेडिसिन आती है, औषध है, और वो है मालती जाति। तो जाति के जो पुष्प होते हैं वो भी इसमें उपयोग किए जा सकते हैं। तो इनसे क्या होता है कि प्लेटलेट्स ज़्यादा बनते हैं। रक्त क्षय की बात हो रही, रक्त क्षय एक विशाल टर्म है, और अगर गहराई में देखेंगे तो कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी, जो कि बॉडी, जैसे मान लीजिए ये जो इम्यूनिटी है, इसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमारी बॉडी अलग अलग, खास करके जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़, लिम्फोसाइट्स, वो भी तो ब्लड में होते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज़ कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उससे भी तो बीमारी होगी ना, उससे भी तो कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, इन्फेक्शंस बार बार होंगे या बाकी और कई चीज़ें। तो आप समझ लीजिए कि रक्त क्षय एक बड़ी टर्म है, और अकॉर्डिंगली उसे मैनेज किया जाना चाहिए, ये अभिप्राय है कहने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल है मानसिक क्षय की। तो मानसिक क्षय में हम क्या समझते हैं? मानसिक क्षय में हम समझते हैं मसल टिश्यू, और मसल में भी हम कौन से मसल समझते हैं? स्केलेटल मसल्स, जो हमारी विल पे, हमारी इच्छा से हम लोग मूव कर सकते हैं। मांस धातु आम तौर पर यही माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात बताएं, जो ये तो वॉलंटरी मसल्स हो गए, जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे स्मूथ मसल्स, जितनी मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जितने चैनल्स हैं, या फिर यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये है, या यूट्रस है, इनमें स्मूथ मसल, ब्लड वेसल्स को देखिए, उसमें स्मूथ मसल्स हैं, और द्वारे स्किन के अंदर भी मसल होता है, ये है। तो ये सारे मसल्स क्या मांस धातु नहीं है? और हार्ट का मसल, जिसमें अपने आप रिदम जनरेट करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, रिदमिसिटी है, क्या वो मांस धातु में नहीं आता है? थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं
फ्रेंड्स, अगर आप देखें कि मांस धातु किससे बना होता है, मांस धातु बना होता है प्रोटीन्स का मोटे तौर पर। तो प्रोटीन्स, एक्टिन मायोसिन भी तो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स जो मांस धातु को बनाती हैं, या फिर अमाइनो एसिड्स जिससे बाकी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, और तो और सेल में भी होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो आप ये देखें उसमें भी प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन होते हैं। तो अगर मांस क्षय हुआ है तो केवल मात्र स्केलेटल मसल्स तक उसे सीमित रखना, केवल मात्र ये सोचना कि जो मसल्स हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है उनके क्षय को ही मांस क्षय कहेंगे, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कम उचित लगता है। हमें मांस धातु के स्कोप को पूरा बढ़ाना है। शरीर में जहाँ कहीं, शरीर में जहाँ कहीं प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, उसको मांस धातु में लेना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रोटीन की कमी होगी, जब प्रोटीन्स कम खाई जाएंगी, जैसे प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन में होता है, तो जब प्रोटीन्स कम खाई जाएंगी मैरास्मस वगैरह में होता है जैसे, तो प्रोटीन्स जब कम खाई जाएंगी तो उससे केवल हमारे वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स ही वीक होने वाले नहीं हैं, उससे केवल इनवॉलंटरी मसल्स ही वीक और इमेशिएट होने वाले नहीं हैं, उससे बॉडी में हर जगह प्रोटीन की कमी आएगी। और फ्रेंड्स, मांस धातु का स्कोप बहुत बड़ा है, इसलिए उस तरह से लीजिए। तो जब आप मांस धातु का उपचार करेंगे, मांस क्षय हो गया है, आपको ये समझ लेना है कि व्यक्ति का अगर बल, शारीरिक बल, मस्कुलर पावर अगर कम हुई है तो उसके साथ बाकी मसल्स भी कमज़ोर हुए हैं, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट के हों या हार्ट के हों या ब्लड वेसल्स के हों, लेकिन उसके साथ वो साथ ये समझ लीजिए कि कुछ एंजाइम्स भी कम हुए हैं, कुछ हार्मोन्स भी कम हुए हैं, ये भी कम होते जा रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स जो हैं, जो ऑब्वियसली ये सब प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऑर्गन्स भी कमज़ोर होते हैं। तो ओवरऑल मांस धातु जो है, ओवरऑल मांस धातु जो प्रोटीन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा अगर ब्लड इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए उसको प्रोटीन का प्राण कहा गया, तो मांस धातु भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरे शब्दों में मांस धातु पूरे शरीर का मूल है, एक आधार है, उसके ऊपर बाकी चीज़ें बनी होती हैं, उसको मूव कराने के लिए स्केलेटल टिश्यू है, बोन्स हैं, वो आती हैं। तो मांस धातु का जो क्षय है उसको बहुत लंबा चौड़ा उसका स्कोप होता है, इसलिए मांस क्षय का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आप याद रखिए कि आप ऐसी दवाइयां तो देंगे या ऐसी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़ तो कराएंगे जिससे स्केलेटल मसल्स मजबूत होंगे, लेकिन साथ में इस प्रकार का भोजन दीजिए। फ्रेंड्स, आप देखिए, आप संहिताओं को देखिए, कितना मांस रस का उपयोग कराया है, मांस रस यानी मीट सूप, कितना उस मीट सूप का और उसका जो एकमात्र महत्व सामने दिखाई देता है कि आचार्यों को इस बात का पूरा एहसास था, उनको ज्ञान था इस बात का कि जब भी बॉडी कमज़ोर होगी, जब भी बॉडी बीमार होगी, शरीर बीमार होगा, तो शरीर के अंदर प्रोटीन लॉस होता है। तो प्रोटीन लॉस को फ्रेंड्स अगर आप प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण अपनाते हैं, अगर आप जो भी पहले का अप्रोच है उसको ही अपनाए रखना चाहते हैं कन्वेंशनल, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रोग्रेसिव, एक विकासशील अगर आप अप्रोच रखना चाहते हैं, तो एक शब्द में बोलूं तो मांस क्षय मीन्स प्रोटीन लॉस, मांस क्षय मीन्स प्रोटीन लॉस।
तो प्रोटीन लॉस, अब आप देखिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रोटीन लॉस हो रहा है ना, वो अल्टीमेटली मांसाक्षय करा रहा है। तो अगर ब्लड के अंदर हाइपोप्रोटीनिमिया हो रहा है, एल्ब्यूमिन की कमी आ रही है, और उसके कारण अगर शोथ हो रही है, कहीं ना कहीं वहां मांसाक्षय हुआ है, मैं इस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं। तो ये एक वाइडर एप्लीकेशन है, एक वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है इस मांस धातु के स्कोप की। तो जब हम इस कदर आगे गहरा गहरा सोचेंगे तो ऑब्वियसली मांसाक्षय होगा, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ऑब्वियसली उसमें हम क्या देंगे, अगर पहले तो हम प्रोटीन्स की इंटेक को बढ़ाएंगे, तो मांस जिसको मांस रस कहा गया, तो मांस तत्व कहा गया, तो सर्वदा सर्व भावनाम सामान्य वृद्धि कारण, तो ऐसे आहार जिनसे जो द्रव्य सामान्य है, जो गुण सामान्य है या कर्म सामान्य है, तो वो तो आपको देने पड़ेंगे। तो आप द्रव्य सामान्य प्रोटीन दे सकते हैं, मांस जो नॉन वेज में प्रोटीन है वो दे सकते हैं, जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स है, मिल्क प्रोटीन है, या वेजिटेबल्स में जो मिलती है, सोया प्रोटीन है, चना में है, दालों में है, पीस में है, ये सब दे सकते हैं, या नट्स होते हैं, बादाम है, या इन सब चीज़ों में, या काजू वगैरह में, इन सब में जो अखरोट में प्रोटीन होती है वो दे सकते हैं। तो ये दीजिए, और साथ में एनाबॉलिक मेडिसिंस दीजिए। तो एनाबॉलिक मेडिसिंस जो है वो आपको पता है, एक बार फिर मैं आऊँगा अश्वगंधा पे। अश्वगंधा एक बहुत ही ब्रोहन है, ब्रोहन मीन्स एनाबॉलिक, ब्रोहन जो टिश्यूज को बनवाती है, तो अश्वगंधा का ये एक परम सूक्ष्म चूर्ण है। तो साधारणतः जो 3 से 6 ग्राम देना पड़ता है, ये 2-3 ग्राम की मात्रा में इफेक्टिव रहता है। आप ये लगातार दे सकते हैं दूध में डाल के, या ऐसे खिला सकते हैं, या जैसे मैंने कहा हमारे पास एक अश्वगंधा की टैबलेट भी आती है, घन टैबलेट, वो दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी एहसास करना है कि महिलाओं में विशेष रूप से अश्वगंधा तो देना ही है, लेकिन एक ब्रोहन, एक एनाबॉलिक आपको और देना है, और उस एनाबॉलिक का नाम है शतावरी। तो शतावरी जो है एस्पैरागस रेसिनोसिस, ये एनाबॉलिक है, ये महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन को इम्प्रूव करके एनाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उनको बढ़वाती है। तो ये दो चीज़ें बताई, शतावरी की टैबलेट भी हमारे पास आती है, आप वो भी दे सकते हैं, शतावरी चूर्ण दे सकते हैं, कोई और शतावरी का योग आपके पास आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये धातु क्षय का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, और एक वीडियो में तो ये कवर होने वाला है नहीं, और हर व्यक्ति की अंदर लेने की क्षमता भी लिमिटेड होती है, और मैं आपको थकाना भी नहीं चाहता। तो धातु क्षय पे ये पहला वीडियो है, इससे पहले भी लगभग 4 साल पहले हम धातु क्षय पे काफ़ी विस्तृत वीडियोस बोर्ड पे जो है व्हाइट बोर्ड पे समझा चुके हैं, और उसके बाद कई बार यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स ने आग्रह किया कि हम एक बार पुनः धातु क्षय के इस विषय को लें और इसको विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से, यानी एनालिटिकली और प्रैक्टिकली, हम इसको समझने का प्रयास करें। इसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, वो हम बताएं। तो इन वीडियोस में धातु क्षय के ऊपर, अभी हम इसके बाद कुछ और वीडियोस भी बनाने जा रहे हैं, उसमें हम बताएंगे कि धातु क्षय कितना महत्वपूर्ण है और कितना विस्तृत विषय है। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस, उनका ट्रीटमेंट इन्हीं विषयों में, इसी एक विषय में कवरअप होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ तो लगा होगा, कुछ अंतर तो लगा होगा अप्रोच में। तो आपको कैसा लग रहा है, हमें इनकरेज करने के लिए ही आप बता दिया करो। मैं मानता हूँ कि बाकी चीज़ें जो आप लोग लिखते हैं अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से भी कुछ बताना चाहिए,
कि अगर हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज, हमारी पूरी टीम और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रजबाला वशिष्ठ, हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए कुछ वीडियोस तैयार करते हैं, तो आपको वो किस हद तक लाभप्रद महसूस हो रहे हैं, ये तो फीडबैक आपकी तरफ से बनता है। तो कृपा करिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। दूसरा ये रिक्वेस्ट है, मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स से कहता हूँ, आप लोगों में जनरल मोटे तौर पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, इसलिए वीडियो को आप बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हमारा अनुरोध है कि आप इसके बजाय अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यू हैव माइल्स टू गो, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जो कॉलेजेस में मिल रहा है, जो काफ़ी कुछ जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसलिए कम रहता है क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादातर आयुर्वेद कॉलेजेस में, कुछ एक को छोड़ दीजिए, बहुत कम रहते हैं, तो जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी कम है। तो अगर आप इस तरह के जो लाभदायक वीडियोस हैं उनको भी पूरा नहीं देखेंगे तो आप एक आधे अधूरे डॉक्टर बनेंगे और फिर उससे आपको निराशा होगी। तो उस स्थिति से बचने के लिए वीडियोस पूरा देखिए और थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए। जो आपके मित्र लोग हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, उनको भी आगे ये वीडियोस उनको फॉरवर्ड करिए, उनको सजेस्ट करिए, ताकि अगर हम लोग कोई मेहनत करते हैं, टाइम सबका अमूल्य होता है, हमारा भी अमूल्य है, तो इस अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल के आपके लिए अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो आप पूरा देखिए। ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। एनीवे, ये बात, ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं ताकि अगले वीडियो की आगे हम तैयारी करें, और तब तक आप इस वीडियो को हो सके तो 2-3 बार लगातार देखिए, नोट्स बनाइए और आप जो महसूस करते हैं हमें फीडबैक दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और अपना ढेर सारा ध्यान रखें।